शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Is also trying, but that other madam not picking up phone. I'll try again. Excuse me. Are you Jia Garewal? No, I'm Tina Ambani. You must be Neeta Ambani, right? एक तो खुद लेट आई है, ऊपर से आयु जिया गरेवाल।
काम क्या करते हो? I am a banker. Wow, पहली बार जिंदा बैंकर देख रही हूँ. सिर्फ फोन पे सुनाई देते हैं ना लोन देने के लिए. मेरी पंचकनी में एक बेकरी है. जिया बेकरी, that's what it's called. मगर वो मैं नहीं चलाती. तुम सो रहे हो? Yes. Wow. इस ट्रिप पे कितना मजा आएगा. You see that man in business? Mm-hmm. वो जिसने दो हाथ में 2000 अंगूठियां पहनी हैं. Don't you think he's a jerk? ले, बोलो यार, मेरा पति नहीं है. Yes. So, just do me a favor, okay? ये पेपर पकड़ के ना, सिर्फ बिजनेस ने दो चक्कर लगा. I would like to see the fortune teller, ma'am. Deetali. तो अब ज्योतिष बनोगी तुम? मैं नहीं, तुम है ना? Yes, ma'am. क्योंकि business बिल्कुल full है and Gandhi bhai is coming here. Happy to help you. No, hello. Jia. Gandhi bhai, आया. तमें लक्की छो Gandhi bhai, madam genius छे. Genius. પણ થોડી મૂડી છે. નો વરી મેડમ, આઈ નો ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ મૂડ. આપ જબ મૂડ મેં હોંગી તો મેં પૂછ લુંગા. રિલેક્સ પ્લીઝ. चेक-इन करा रही हो या गोद ले रही हो? सॉरी, इट'ल बी अ स्मोकिंग रूम प्लीज. यस सर्टेनली. 403. थैंक यू. वंडरफुल. छुट्टी पे आए हो या एग्जाम देने आए हो? अगर तुम अपनी 12वीं सिगरेट बुझा दो तो शायद मुझे याद आ जाएगा कि सांस लेना किसे कहते हैं. अगर तुम ये बत्ती बुझा दो तो शायद मुझे याद आ जाएगा कि रात को सोना किसे कहते हैं. रूम के अंदर स्मोक नहीं किया तो स्मोकिंग रूम लेने का पैसा कैसे वसूल होगा? स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग रूम का रेट सेम होता है. रियली? पहले बता देती, मैं तो वसूलने के चक्कर में आधा पैकेट फूंक गए. गुड नाइट.
तुम्हें लाइट्स ऑफ चाहिए थी ना? हाँ, मगर फिर मुझे भूख लग गई अंशरा। अंधेरे में खाती तो कब ये पेस्ट्री तुम्हारा फेस पैक बन जाती पता भी नहीं लगता। It's 4 AM. वो तो है। मुझे किसी भी हालत में सुबह 7 बजे कुलाबर क्लिफ पहुंचना है। ले, फिर तो तुम्हें सो जाना चाहिए। चुप। नो, थैंक यू। मुझे बोरिंग लगा तो मैंने अपना पर्सनल टच दे दिया। तुम्हारी स्माइल है इतनी छोटी या बड़ी होने से पहले रोक लेती हो? अब हर किसी का सब कुछ बड़ा हो ही जरूरी तो नहीं है ना जिया। देखो ना, ना मेरी स्माइल बड़ी होती है ना तुम्हारे कपड़े। कुलाबर्ग क्लिफ पहुंचना था 7 AM, चले। बॉदर में यार, लगाओ लॉजिक। 11:30, 12:30 बोलता है ना? हाँ। तो फिर 1:30 और 2:30 क्यों नहीं? I mean, why are only those two dead and ढाई? Stupid. ढाई, याय। कोई। मक्खन वाला है? टेलर वापस क्लिप की तरफ लो। अरे तुमने तो बोला अभी उन लड़कों के पीछे चलने को। व्हाट लड़के? व्हाट शिट? जस्ट टेक मी बैक टू द फ्रिकिंग क्लिप नाउ। ओके ओके, चलाओ मत, ले रही हूं वापस। जस्ट पुल ओवर। यू टर्न तो ढूंढने दो यार। स्टॉप द कार जिया। आई कांट बिलीव यू आर नॉट एट द क्लिप जस्ट बिकॉज़ यू हैड सम स्लटी आईडिया। ये जिया जिया बहुत हो रहा है यार। यू कॉल मी जिया, आई कॉल यू जिया, बेकार कंफ्यूजन। एक काम करते हैं, तुम्हारा लास्ट नेम क्या है? वेंकट राम। अब मैं तुम्हें सिर्फ वेंकट बुलाऊंगी, वेंकट। ओके, आई कॉल यू गारेवाल। यार स्माइल ना सही, अपनी अकल तो मेरे कपड़ों से बड़ी कर लो। जब मैं तुम्हें वेंकट बुलाऊंगी दिल बी नो कन्फ्यूजन, तुम मुझे जिया बुला सकती हो। चलो कॉफी खत्म करो, वापस तुम्हारी उस कुलाबर्ग क्लिफ पे भी जाना है। मुझे क्लिफ पे नहीं जाना है। ले, अब नहीं जाना है। उस क्लिफ की वजह से तुमने मुझे इतना सुपर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया और अब तुम्हें नहीं जाना है। लिसन, आई एम रियली सॉरी व्हाट आई सेड, ओके? आई डिडंट मीन। सॉरी, अपने पास रखो, फिर कभी ले लूंगी। और वहां जाने का मूड नहीं है तो आज दिन भर वो करो जो मैं कहती हूँ। अगर मजा ना आए ना वेंकट, तो कल से हम दोनों स्वीडन की हर क्लिप पे मत्था टेकते चलेंगे, गारंटी। सडनली तुम्हें हम दोनों के नाम वाली कंफ्यूजन दूर करने का आइडिया कैसे आया? वो सिंपल, तुमसे गाली सुनने के बाद ना मैं तुम्हें गालियां दे रही थी, तो हर गाली के आगे जिया लगाना पड़ रहा था और ऐसा लग रहा था अपने आप को गालियां दे रही हूँ। सो आई थॉट लेट्स कॉल अ बिट समथिंग एल्स यार, कम से कम तबीयत से गाली तो दे पाऊंगी। mm-hmm.
तेज कदमों से झूठी शर्मों को छोड़ आई है जिंदगी, गम के दफ्तर को एक ही ठोकर से तोड़ आई है जिंदगी, थोड़ी थोड़ी दिखती है थोड़ी ढकी अनजानी बातों के हाथों से की, ये दुश्मनी अपनी आधी पकी, क्यों दोस्ती का भरम फिर भला हम करें, हम ना सुधरे सही, और दिल में हजारों ही दुखड़े सही, खुशियों की हमसे बने न बने, हम तो खुशियों से हाँ बिछड़े सही, खूटी से इसको कहीं टांग ले, गम से मुहाल जरा मांग ले, सारी हदें आज ही लांग ले, फिर ना डरे गम से, बस हमसे ही गम डरे, हम ना शुगर आधा हमारा आधा तुम्हारा. नो थैंक्स, मैं सिगरेट नहीं पीती. अपमान, घोर अपमान, दुष्ट. इससे सिगरेट कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिसन बालिका, दिस बेबी इज सुपर हिट फ्रॉम अलास्का टू अंटार्कटिका. दो दम में खोल देगी तुम्हारे दिमाग की फाटिका. इट्स फाटक नॉट फाटिका. आई नो बट फाटिका वाज राइमिंग. नाटक छोड़ना वेंकट. नो नो नो, इट्स अगर मैंने अकेली पी ली तो ना मुझे मजा आएगा ना तुम्हें. नो 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 प्लीज, नो, जस्ट टू कीप मी कंपनी. नो, सिर्फ एक, आई प्रॉमिस. प्लीज, नो प्लीज. हैप्पी बर्थडे टू यू. सांस ले ना. अच्छा है ना. अच्छा, तुमने कभी सोचा है व्हाट इज विक्टोरियास सीक्रेट? बट व्हाट इज विक्टोरियास सीक्रेट? अरे विक्टोरिया से पूछो ना यार. तुम्हें नहीं पता है? मुझे भी नहीं पता है. बट एक है जिसे पता है, जानते हो कौन? कौन? रजनी सर. तुम्हारा भी एक सीक्रेट होना चाहिए, वेंकट सीक्रेट. मगर तुम्हें देखे ना, ये तो नहीं लगता है कि तुम्हें बजट हॉलिडे की जरूरत है. तो फिर कमरा, ट्रेलर, टाइम किसी अजनबी के साथ शेयर करने का क्या सीक्रेट है वेंकट? अरे वेंकट, सोए. चलो, आई एम ऑल्सो सो गोइंग. वैसे तुम्हारा भी एक ब्रांड होना चाहिए, वेंकट सीक्रेट. हो यार वेंकट,
सुबह जब मैं उठी तो तुम खिड़की के पास बेड़ा अवस्था में पड़ी थी। रात को क्या तारे गिनने गई थी? लगेज ट्रॉली पे बेल बॉय के साथ नीचे भिजवाना पड़ा। तुमने मुझे इस हालत में इन कपड़ों में बेल बॉय के साथ अकेले नीचे भेज दिया? उसने कुछ बदतमीजी टाइप की होती तो? बेटा मैं इतनी लकी का उसे सेक्सी ट्रॉली पे रखा और लगेज लग रहा था। स्वीडिश कंट्रीसाइड गर्ल, यहाँ अगर खेतों में दौड़े नहीं तो ट्रिप कंप्लीट कैसे होगी? खेतों में दौड़ के क्या मिलेगा? अमित जी से पूछो, शाहरुख से पूछो, वो दौड़ते हैं ना, कुछ तो मिलता ही होगा। तो पागल हो गया। जिया, जिया, ओ, मेरी आँखों में, ओ माय गॉड, क्या क्या दिखा? जिया, मेरी आँखें कुछ लाल है क्या? ओह शिट, मैं पानी लाती हूँ। ओह गॉड, जिया। आज पता चला शराबी आंखें क्या होती है। Oh, please, please don't. You look like an angry ninja. अच्छा ओके, सॉरी मैंने हंसना बंद कर दिया। चलो नीचे चल के कुछ खा लेते हैं, नहीं तो वो दवाई की एलर्जी की दवाई असर नहीं करेगी। नो थैंक्स जिया, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने आंखों से वोडका जो पी है। हाय साकी बिच, कहा था ना उस गोरे डॉक्टर ने 2-3 घंटे में ठीक हो जाओगी, खाना ही तो खिला रही हूँ। जहाँ इतना बुरा किया है तुम्हारे साथ, वहाँ कुछ तो अच्छा करने दो। I just want to know if there's somewhere we can go for food right now. Yes, there's an eatery just down the road, ma'am. But this is a small town and it's really not safe at this hour. Thank you for the suggestion. चल। वो कहती है बाहर निकल के कहीं भी मुड़ जाओ, खाना ही खाना है। Really? चल ना वेंकट। तुम्हें लगता है यहाँ कोई रेस्टोरेंट होगी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है। खाना खाना है या आदमी, चुपचाप चलो। मुझे तो भूख भी नहीं है, चलो ना वापस चलते हैं। अट्टू, डरती क्यों? मैं हूँ ना। शिट, हम कहाँ से मुड़े थे? मैं तो रास्ता भी भूल गई यार। तो रेल वाला गुंडा लग रहा है। वैसे भी माँ के सुझा के शक्ल ऐसी बना ली है कि उसको तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। यू साला मुझ पे झपटेगा। यू जस्ट गाली बाद में दे देना, अभी भागना पड़ेगा। रेडी, 1-2 गो। हाय, हम जिया। एक सिगरेट मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी जाने में? I don't believe this girl.
लगता है मैंने बहुत पी ली है। नहीं नहीं नहीं, वो दारू की वजह से नहीं, सच में ऐसी ही दिखती है। नाम क्या है तुम्हारा? वासु कृष्णा बर्गमन। वासु। वासु बर्गमन, कॉकटेल हो? How interesting है ना? Of course, Mr. Bergman, अगर आप लोकल हैं तो क्या हमारी मदद कर देंगे प्लीज? हम लोग रास्ता भूल गए हैं। इस शहर में नहीं रहता, इस तात से अपने घर का तो पता नहीं, आप कैसे ढूंढ लेते हैं? भाई सबसे अच्छी बात यह है कि तुम कुछ नहीं करते। कोई बड़ी बात नहीं है, स्वीडन में जितने लड़कों के बाप रिच अमीर हैं वो सब कुछ नहीं करते। ये रहा आपका रिसॉर्ट। थैंक्स। थैंक यू फॉर द सिक। थैंक यू। नॉट एट ऑल। चाहो तो बाकी का पैकेट भी रख सकते हो। आई नो यहाँ सिगरेट कितनी महंगी है वासु। लाओ तो। क्या? पैकेट। ओह, रियली? या या, ऑफ कोर्स। अजीब भीख मंगा है ये। यहाँ तक लाया तो पैकेट ले गया। कुछ देर और रुकता पता नहीं क्या क्या ले जाता। तुम हंस रहे हो? साली डायन। बेकार आइडिया है। इस विशिंग वैली में सीधे पैर का जूता गिरा के मन्नत मांगने से कुछ नहीं होता। वैसे मांगने क्या वाली थी? वो नहीं बता रहे, मत बताओ। मिस्टर बर्गमैन, मैं जिया के लिए कुछ मांगने आई थी, बट प्लीज डोंट टेल हर। 100 करोड़ दे दो, नहीं बताऊंगा। तुम दोनों हाय आफत पे घर पे चिपके कमीज कातिल का मरिया है चीज है चीज है चीज हाय आफत पे घर पे चिपके कमीज कातिल का मरिया है चीज है चीज है चीज ओ या ये ही चुना का बेबी टाइम है ट्रांसपोर्ट तेरा जरा तेरा क्राइम है हे नाच बसंती नाच
सारे कमीने हैं। गॉड लिवर है या हिंदुस्तान लिवर? 24 घंटे से पी रहे। डायन कहाँ है? होगी यहीं कहीं। रियली थैंक्स, मैं हेल्पफुल हो जाती हूँ। चलो इस बारी तो वार्डन ने तुम पे पानी वाला काम किया है। वाह 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 वाह, शाबाश। कैसे बेड़ों के साथ हॉलिडे कर रही हूँ मैं। उसकी इनकमिंग बंद नहीं होती और तुम्हारी आउटगोइंग। मुफ्त की दारू देखती हर देसी औकात पे आ जाता है। ओके ना? लो ये कहाँ चला गया? ओए बासु, ओए बासु, वेयर आर यू गोइंग? अवे अवे, जंगल में। पार्ट टाइम टार्ज़ान हो क्या? जोक्स अपार्ट, तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है यार। फिर क्यों? जब तक किसी को आपका साथ अच्छा लग रहा हो चले जाना चाहिए। दैट वे अगर तुम जिंदगी में मुझे दोबारा नहीं मिली तो ये सोच के याद करोगी कि मेरे साथ अच्छा लगा था, और अगर कभी फिर मिली तो ये सोच के मिलोगी कि मेरे साथ अच्छा लगेगा। आई लीव वाइल द गुड लास्ट ईयर। मैं बैठ के दिखाई देने तक नहीं रुकता। अपना ख्याल रखना। Loser.
Are you ready to order yet? A chocolate and a cinnamon roll. One black coffee, please. One black coffee. 4 hours में ये पहली चीज़ है जो तुमने बोली है. मतलब जब से वासु गया है तुम चुप हो. अभी ब्लैक कॉफी बोलने तक. तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें वो अच्छा लगने लगा है? What nonsense, जिया. किसी के जाने के बाद अगर कोई खामोश हो जाए तो इसका मतलब कि वो उसे अच्छा लगने लगा है. किसी के जाने के बाद अगर कोई खामोश हो जाए तो उसका ये मतलब कि वो उसे अच्छा लगने लगा है. ओए वेंकट, कभी चोरी किया? नो. What are you doing? Chori. Jia? Jia, my wallet? Jia? Jia? Hey, tum se kyun tar chola chola. खुशी कोई पिज्जा डिलीवरी की तरह थोड़ी है कि टाइम की गारंटी हो. कभी कभी आने में देर कर देती है. मैनर्स, तमीज ये सब नहीं दिखा सकते खुशी के साथ वेंकट. साली को जबरदस्ती छीन के लाइफ में लाना पड़ता है. क्या हुआ? आज फिर पेस्ट्री खाओगी क्या? यार बंदा यू ही नहीं है. कौन बंदा? शाहरुख खान. स्टूपिड, वासु की बात कर रही हूँ. ओह वो. तुम वासु के लिए रात को जाग रही हो? आर यू नट्स? जगने का पता नहीं, बंदा सोचने लायक तो डेफिनेटली है. डोंट वरी, मुझे पता है तुम उसे प्यार करती हो. व्हाट रबिश जिया. 3 दिन में कोई किसी को कितना जान सकता है? मैं कितना टाइम चाहिए होता है? 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल. नहीं नहीं, 30 साल. कितना टाइम चाहिए होता है? 3 हफ्ते, 3 महीने, 3 साल. नहीं नहीं, 30 साल. CEO बनने जितनी काबिल हो जाओगी ये तो सोचा था, लेकिन इतनी खूबसूरत हो जाओगी ये नहीं सोचा. बोर्ड मेंबर्स, योर न्यू ग्रुप CEO, जिया वेंकटराम. थैंक यू फॉर मेकिंग दिस कंपनी व्हाट इट इज. प्लीज आप ये कंपनी कभी ना छोड़े. नेवर वरी अबाउट दैट. ये कंपनी मैं कभी नहीं छोड़ूंगा. अरविंद, आई जस्ट डोंट गेट दिस. हमारी सीमेंट और लो क्वालिटी. टॉक टू द लीगल टीम और इसका सॉलिड काउंटर तैयार करते हैं. डोंट वरी अबाउट इट. मैंने पता किया जापानियों के बारे में. इन्होंने हर बड़ी कंपनी को ऐसा फ्रॉड लीगल नोटिस भेजा है. कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा. आई विल हैंडल इट. कम हियर. तुम ये बताओ आज डिनर के लिए कहाँ चले?
बात लगभग एक मत सी मानी जा रही है कि वेंकटराम ग्रुप का दिवालिया दरअसल इस ग्रुप की सीईओ जिया वेंकटराम की हार है। साथ मौजूद है वेंकटराम कंपनी के नए ग्रुप सीईओ अरविंद जैसे। सो अरविंद, व्हाट इन योर ओपिनियन इज द वे फॉरवर्ड फॉर जिया वेंकटराम नाउ? फॉरवर्ड? अब जिया इसके आगे क्या कर पाएंगी ये तो गॉड नोस। सोच के बुरा लगता है लेकिन फिर हंसी भी आती क्योंकि अपने पिता के नाम को वो ऑलरेडी जितना शर्मिंदा कर चुकी है इससे ज्यादा और शर्मिंदा तो नहीं कर पाएंगे। कि अपने पिता के नाम को वो ऑलरेडी जितना शर्मिंदा कर चुका इससे ज्यादा और शर्मिंदा तो नहीं कर रहा। आप उनके फैमिली से हैं? नहीं, क्यों? मैं उनकी टूर पार्टनर हूँ। व्हाट इज द मैटर, मुझे बताइए प्लीज। उनके सर में कोई कंकशंस नहीं है, उन्हें होश भी आ चुका है। लेफ्ट रिस्ट में फ्रैक्चर आया है और ब्लड रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी बाकी मेडिकेशंस वो खुद लेती आए हैं। कौन सी मेडिकेशंस? इस एक्सीडेंट से आपकी फ्रेंड को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच सकता था मिस वेंकटराम, क्योंकि वो पहले से बीमार है। उन्हें एडवांस स्टेज का लिवर कैंसर है और वो ये बात पहले से जानती है। What? Yes, one cannot be precise, मगर 2 महीने या शायद 2 हफ्ते में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। Thank you.
ये मैंने डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कर दिया और ये उनके प्रिस्क्रिप्शन। जी जिया की बॉडी लैंग्वेज और रहन सहन से मुझे कभी नहीं लगा कि वो इतनी बीमार है। शी हैज मोर एनर्जी देन मी। हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा आई मीन लिवर कैंसर पेशेंट को एक्टिव रहने से नहीं रोकता, मगर जिस दिन लिवर जवाब दे दे उस दिन से आगे ज़्यादा वक्त भी नहीं देता। बिसाइड्स ईच पेशेंट हैज़ अ डिफरेंट कैपेसिटी टू फाइट। डॉक्टर आपने जिया को बताया तो नहीं कि मुझे पता है? नहीं। प्लीज बताइएगा भी मत। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। कंग्रेचुलेशंस, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। अच्छा है ना? पिंक पिंक। अरे आई एम सो सॉरी मेरी वजह से। तुम्हारी टीचर की वजह से। काश उसने तुम्हें सिखाया होता कि रोड क्रॉस करने से पहले दोनों साइड्स देखते हैं। गॉड दो कटी हैं दो बची हैं जीवन की रतियां जीती हूँ तोरे कारण एक पल में सदियां तू ना जा सखी रे ना जा अब ना जा ना जा ना जा ना जा सखी रे ना जा ना जा ना जा नर्वस हो? एक्सक्यूज मी, तुम ट्रेलर चलाने के बारे में नर्वस हो? और हमें 550 माइल जाना है। किसने कहा मैं नर्वस हूँ? मैंने हजारों गाड़ियाँ चलाई हैं। ओके हाँ, पर ट्रेलर कभी नहीं चलाया ना। इसकी साइज और मैनूवरिंग से तुम घबरा रहे हो। आई एम नॉट स्ट्रेस्ड एट ऑल, यू गेट इट? तुम चला रहे हो यानी तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। तुम एक्सीडेंट करने वाले हो हमारे। आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, मैं स्ट्रेस नहीं हूँ। यू गेट इट जिया? आई एम नॉट स्ट्रेस्ड। ओके 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 ओके। अगर तुम स्ट्रेस नहीं हो तो साबित करो। ये गाना आता है, ये वाला पसंद है? इस शहर में नहीं रहता, इस्ताद से हूँ। जिया जिया उठो ना। आई थिंक हम रास्ता भटक गए हैं। जब तुम गाड़ी चला रही हो तो और हो भी क्या सकता था। अब टाइम वेस्ट मत करो, किसी गोरे से स्टॉकहोम का रास्ता पूछो। ये साले गोरे रास्ते बताने के लिए भी 2 घंटे लगाते हैं। वो देखे इंग्लिश? Yeah. Which way to Stockholm? Left from the roundabout. Okay. Then back onto the highway. Mm-hmm. Then about back on the motorway and then 200 miles straight on. Okay. बस भी करो अंकल, रास्ता पूछ रही है, छोड़ के आने को नहीं कह रही।
She says thank you. Oh, thank you. Which town is this? This? Yeah. This is Houston. Oh, okay. Thank you. This is Istad. ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है नहीं? ओ ये तो वो जगह है जहाँ वासु रहता है। अच्छा? हाँ। तुम्हें रुकना है उसके लिए? नहीं मुझे नहीं रुकना है। तुम्हें रुकना है तो? नहीं मुझे तो क्यों? But you must be tired ना? इतने देर से drive कर रही हूँ। Oh yeah, I am tired, you know. मैं थक गई हूँ बहुत। ठीक है। जाता इतना बड़ा म्यूजियम अपने बेवड़े का है पार्किंग तो ढंग से कर लेती सीधी पार्क नहीं कर पाती और मुझसे कहती हो मैंने हजारों गाड़ियां चलाई है तुम यहाँ वासु से मिलने आई हो या मुझे पार्किंग सिखाना है तीन दिन के अंदर अंदर तुम दोनों एक दूसरे से और इस मुल्क से इतने बोर हो गए कि मेरी तलाश में यहाँ तक पहुँच गए ना हम स्वीडन से बोर हुए हैं ना एक दूसरे से तो क्या यहाँ मेरे 100 क्रोनर देने आई हो याद आ गए तो आ गए खड़ूस तू बड़ा डैशिंग लग रहा है सूट शूट पाके इतना ऊंचा मत बोलो ये आर्ट गैलरी है ऊंचा मैं तो बहुत धीरे बोल रही हूँ है ना वेंकट ये सब कैसे किया अरे यार ये हमारी क्लियोपेट्रा रास्ते के बीच में पहुंचने तक ट्रैफिक को रॉन्ग साइड में ढूंढ रही थी अच्छा हुआ मैंने देख लिया और तुम रास्ते के बीच में कूद गई राइट क्यों करती हो ऐसा अपने आप ही डिसाइड कर लेती हो कि किसी और की लाइफ तुम्हारी लाइफ से ज्यादा कीमती है कीमत जिंदगी की नहीं आलू प्याज की होती है जिंदगी चाहे जिस किसी की हो प्राइसलेस होती है तुम बड़ी फिक्र दिखा रहे इतनी फिक्र है तो डायलॉग मार के चले क्यों आए तुमसे बातों में तो मैं नहीं जीत सकता तुम किसी चीज में नहीं जीत सकते मुझसे पर तुम्हें कैसे पता चलेगा तुमने बातों के अलावा कुछ ट्राई कहाँ किया You're kidding me. Nah, I'm serious. तो इतनी सारी फेकम भाग क्यों? अमीर बाप का बच्चा हूँ मैं कुछ भी नहीं करता. Ave, perfect. नहीं, अमीर बाप का बच्चा मैं हूँ. लेकिन अगर मैं तुमसे कहता कि मैं एक स्कल्प्टर हूँ और पत्थर और मिट्टी से आर्ट बनाता हूँ तो क्या फिर भी मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आती? Of course, यार. मैंने इस डायन से पहले ही कहा था कि बंदे में दम है. Really? I'm touched. Don't mention it. अब ये बता आज मुझे कहाँ ले जा रहे हो मतलब तुमसे अच्छा टूर गाइड हो सकता है कोई
सिगी ओके व्हाट इज इट जस्ट टेल मी एंड गेट इट ओवर विद टेल यू टेल पकड़ो इस रविवार 12 अक्टूबर को आपको आमंत्रित किया जाता है लुंड में सुकुमारी जिया गरेवाल का विवाह कुमार वासु बेवड़ा बर्गमन से किया जाएगा व्हाट शादी वेंकटा इस संडे लुंड में मैं और वासु मैंने कहा था ना शादी सुन के भी इसका रिएक्शन ऐसे आएगा जैसे हम मर्डर कर रहे हैं आज से लेकर संडे तक वासु मुझसे नहीं मिलेगा और हमारे पास सिर्फ 3 दिन हैं दुनिया भर की शॉपिंग करने के लिए द ब्राइड एंड द ब्राइड्समेड I'm happy for you. Thank you. मैं देख के आता हूँ एक आ रहेगी वासु मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों शादी कर रहे हो पर शायद शायद नहीं एक्चुअली एक बात है जिया के बारे में जो तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है स्पेशली बिकॉज वो बात मुझे पता है जिया 3 या 4 हफ्ते में मरने वाली है तुम ये बात जानते कल रात को जिया ने मुझे अपने कैंसर के बारे में खुद बता दिया फिर भी मैं उससे शादी कर रहा हूँ क्योंकि कहाँ मिलेगी ऐसी बीवी पता है मेरी शादी जो है वो 2 या 3 हफ्ते चलेगी मगर जिया की वजह से इट बी अ लाइफ टाइम गॉड ब्लेस यू वासु जिया तुम उसके कैंसर के बारे में कब से जानते हो हॉस्पिटल से जब उसका एक्सीडेंट जब तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी जिया पूरे स्वीडन में कोई विशिंग वैली है ही नहीं और उस रात आइलैंड पे ना ही तो मैं सोया था और ना वो लाइफ गार्ड्स घबराओ मत जिया कुछ नहीं जानती और मैं उसे कुछ बताना जरूरी भी नहीं समझता उसे बहुत दर्द होगा ना अजीब बात है ना जिया उसके जिस्म का एक हिस्सा खुद मरते मरते उसकी जान ले रहा है फिर भी वो जिए जा रही और तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा जिए जा रहा है फिर भी तुम कब की मर चुकी आप उसे प्लीज रजिस्टर करवाइए ना डॉक्टर उसकी सारी डिटेल्स आपके हॉस्पिटल में है ही अगर हम ऐसे करते भी हैं तब भी मैचिंग डोनर तो चाहिए मिस वेंकटराम बिना डोनर के कुछ नहीं किया जा सकता वेंकट वो भी ऐसे डोनर जो उस वक्त अवेलेबल हो जब आपकी फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट हो रेडी फॉर सर्जरी बट कैन यू प्लीज डू मी दिस वन फेवर आप मुझे जिया की ब्लड रिपोर्ट्स और डिटेल्स ईमेल कर देंगे प्लीज मेरे लिए हर ऑप्शन ट्राई करना बहुत जरूरी है वेंकट तुम क्या रूम सर्विस से इडली ऑर्डर कर रही हो नहीं मैं वो हाउसकीपिंग से बोल रही थी कि लॉन्ड्री ले जाए लिसन आई हैव शॉपिंग टू फिनिश जॉब तक शुरू भी नहीं हुई है यूजलेस ब्राइड्समेड चल हेलो सिड कैसा है घोंचू हे जिया थी व्हाट्सअप कैसी हो स्टूडेंट कैसा है सुपर कूल ब्रो लो लो एक मिनट मॉम से बात करो हेलो जिया हाँ कैसी हो बेटा अपना ख्याल रख रही हो ना सुनो अपनी दवाइयाँ वक्त पर ले रही हो ना मैं बहुत अच्छी हूँ एंड गेस व्हाट मैं शादी कर रही हूँ सच कह रही हो 100% सच में किलर ना रियल किलर मैं बेबी माँ आप क्या थी मुझसे शादी कोई नहीं करेगा सोचो इस दुनिया में कैसे कैसे पागल हैं और मैं तो
रहे हो पागल? जीती रहो। चलो ड्राइवर जी। जिया तुम मेकअप खुद खरीद लो ना, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ओके, और तुम्हारा मेकअप वही ले लो जो अपने लिए ले रही हो। जो अपने लिए ले रही हूँ? आर यू सीरियस? I'm vanilla, your chocolate. Same makeup कैसे लेंगे? तुम चलो ना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। पगली। Your car will be ready in 24 hours. On the bottom? Yes. Yeah. Possible. You know, so that it can trail in the back. It'll look nice. Yes. Yeah. Yes, it's possible. Thank you. Oi. Oi. Santi, kyun ho rahe ho yaar? You look beautiful. Thank you. Ye beeda aa to jayega na? शादी में चपरासी लगना जरूरी था तुम्हें? तुम शादी मुझसे कर रही हो या मेरे कपड़ों से? तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट ढूंढते-ढूंढते लेट हो गया। इतनी मेहनत, डार्लिंग यू रियली शुडंट हैव। कथा Are you sure you still want to marry this man? Do us part. Until death, do us part. By the power vested in me, I now pronounce you man and wife. You may kiss the bride. पीके तो नहीं आया हो ना? ऑब्वियसली ये सोच के आए थे कि हम शादी के बाद इस हॉलिडे ट्रेलर में जाएंगे, है ना? जैसे हम जा कहाँ रहे? तुम ये भी सोच के नहीं आए? शादी से पहले तब जब मिलते थे नई नई जगह ले जाते थे, शादी क्या हो गई? तुमने मेरा ध्यान रखना बंद कर दिया। जिया, हमारी शादी को सिर्फ 2 मिनट हुए। वही तो, और अभी से मेरा ध्यान रखना बंद कर दिया। आई डोंट केयर। You have to think of something because girls just wanna have fun. हम यहाँ इस इंडस्ट्रियल कार पार्क में क्या कर रहे हैं? वेंकटा, have you learned nothing? पता चल जाएगा, है ना? ओए, तुम वाइन नहीं पी रही हो? टेक इट इजी पतिदेव, मूड बना रही हूँ, टल्ली नहीं हो रही। हाँ, पर तुम क्यों पी रही हो जिया? पीना जरूरी तो नहीं है ना? आज तुम्हें क्या हो गया है? बाल्टी भर भर के दारू पीती तुमने बीच पर, और वैसे भी शादी तुमने नहीं मैंने की है। मेरा दुखी होना तो बनता है ना? चुपचाप पियो और पीने दो। ओह, व्हाट, यू किडिंग मी? ये स्वीडिश पिक्चर है। वो भी बिना सबटाइटल्स के? तुम लोग देखते रहो, मैं समझाता रहूंगा। यार वासु, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? रिलैक्स जी, ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी इफ यू आर अप फॉर दिस। ओके, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। हाथ चाहिए ले ले, मगर दोस्ती का एक असूल है गब्बर, नो सॉरी नो थैंक यू। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना।
क्रेजी गर्ल, आज तुमने गब्बर और ठाकुर के बीच में लव स्टोरी बना के बॉलीवुड में नहीं हॉलीवुड में जो आग लगाई ना, वाह। अरे आइडिया इतना इंटरनेशनल था। अपनी जान लेने आई थी जिया। सिर्फ इसलिए ताकि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया वो मेरी मौत का तमाशा ना बना सके। ना किसी से मिलना चाहती थी, ना किसी को मरने से पहले देखना चाहती थी, पर रोज रोज मुझे मरने से रोकती रही तुम, और रोज थोड़ा और जीना सिखाती रही। And today, when I want to talk to you, to meet you, लाइफ ने वो ऑप्शन ही निकाल दिया। घूम रहे हो पतिदेव? डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए थे। अब कैसा फील कर रही हो? पता नहीं, बस थक गई हूँ। कहाँ घुस रहे हो? पहले ही जगह कम है। अरे एडजस्ट करो, शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ता है। तुम बड़े इरिटेटिंग टाइप हस्बैंड बनने वाले हो, पता है ना? तुम कौन सी आइडल वाइफ बनने वाली हो? सारा दिन सर खाती रहो। तुम्हारी तरह बोर तो नहीं करूंगी, तुम तो बच्चों के भी नाक में दम कर दोगे। आई एम गोइंग टू बी अ ग्रेट डैड। You are going to be an irresponsible mother. Rubbish. I'm going to be a fun mom and a fun wife. जो बुढ़ापे में तुम्हारा छाता और चश्मे छुपा दे, you know that kind. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं छाते और चश्मे वाला बुढ़ा बनूँगा? मेरे जैसा बुढ़ा तो ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। छोड़ो, गंजे होने वाली हो तुम अभी कुछ 5-6 साल में। हो भी गया तो क्या, फिर भी तुम तो मेरे साथ हो ना। जी सब देखना है बस, जी जी के ये सब महसूस करना है। बच्चे पैदा करने हैं, बाल डाई करने हैं, जीना है। I want to live, Vasu. I really, really want to live. Please. Please don't cry. I want to live. No idea, matlab?
नो आइडिया, मतलब सुबह तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। कहाँ चली गई? तुमने उसे कैंसर वाली बात तो नहीं बताई ना? सुप खत्म करो। वासु, डिड यू टेल हर? बात क्यों टाल रहे हो? जब तुमसे कहा था कि उसे मत बताना तो क्यों बताया? कह सकते थे ना कि चक्कर आ गया और समथिंग लाइक दैट। वासु, आई एम टॉकिंग टू यू, क्यों बताया? उस बेचारी को नहीं बताया? क्या बताया, नहीं बताया, क्यों बताया? स्टॉप दिस रबिश या, फॉर क्राइस्ट सेक। वो जानती है तुम्हारे कैंसर के बारे में? क्या? उस दिन से, जिस दिन से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। और कौन बेचारी? कोई बेचारी बेचारी नहीं है वो। जिस एक्सीडेंट से तुम्हें लगता है कि तुमने उसे बचाया था, वो एक्सीडेंट था ही नहीं जिया। वो खुद गई थी सड़क के बीच में मरने। और वहां ही क्यों? वो स्वीडन इस ट्रिप पे, वो मरने ही आई है जिया। बट क्यों? मैं जानते थे और मुझे नहीं बताया। तुम्हें कोई फिक्र नहीं है कि वो इस वक्त कहां होगी? नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि पहली बार फिक्र करके जब मैंने उसे क्लिफ से कूदने से बचाया तो वो जाके पानी में कूद गई। वहां से बाहर निकाला तो ट्रक के सामने जाके कूद गई। मरने की वजह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिंदगी से बड़ी नहीं होती। जिया, इस वक्त तुम्हारी हालत बिल्कुल, मेरी हालत मायने नहीं रखती वासु, क्योंकि मेरे पास लाइफ नहीं बची है, मगर उसके पास बची है। यू कांट डू दिस फॉर हर, देन डू इट फॉर मी, डू इट विद मी। Center? Have you seen my roommate here today? Jia Venkat ne apne aap ko organ donation ke liye enlist karwaya hai. Jia, wo tum. Venkat? Venkat? Where are you? Hi, Jia. मुझे पता नहीं तुम ये डीवीडी कब देख रही होगी, पर आई होप कि तुम पूरी तरह हेल्दी होकर मेरा लिवर अपने अंदर फिट करा के इसे देख रही होगी। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती थी, बहुत। उनका देखा हुआ हर ख्वाब, उनकी हर कामयाबी, सब बेकार हो गए। The Venkatram Empire, I ruined it all, babe. अपनी इस बदनसीब लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाई, ना अपने डैड को मरने से रोक पाई, ना अपने बच्चे को जीने दिया। मैं जिंदगी से नहीं, खुद से हार चुकी थी, इसलिए एक एक्सीडेंटल अननोन बेकार सी मौत ढूंढते हुए मैं यहाँ आई। मेरी लाइफ में कोई मतलब नहीं बचा जिया, मगर तुम मेरे जैसी किसी भी जिया को जिंदगी का मतलब समझा सकती हो, इसलिए प्लीज कभी ये मत सोचना कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। सो माई फ्रेंड, लेट्स गेट योर लाइफ। हर सांस अधूरी, हर सू धुआ है, पत्थर की नजर है, जुबां है। छोटी यादों का दरिया
वेंकट, साली डैन, सॉरी स्टाइल तुम्हारा कॉपी किया, पर ये सीन हमेशा से मेरा था। तुम बेहोश थी मगर जाने से पहले मैं तुम्हारे पास आई थी। Sat beside you for a long time. यार तुम मुझे लिवर देने चली थी। डफर मैंने मॉम से सिद से किसी से नहीं लिया। आई नेवर वॉन्टेड इट। किसी डोनर का इंतजार करना मतलब ये होप करना है कि किसी का बेटा पति बहन मर जाए सिर्फ इसलिए कि मैं जीऊं। धत ख्वाहिश बहुत थी जीने की, लालच नहीं था। हाँ बस एक विश रह गई, तुम्हें थप्पड़ नहीं मार सकी उस सुसाइड वाले आइडिया के लिए। अरे भाड़ में जाए वो जो भी था, कुछ नहीं ले पाया वो तुमसे जिया। वेंकटरम एम्पायर तुम हो, खुद जिया वेंकटरम। तुम अगर इडली डोसा बेचो तब भी वेंकटरम एम्पायर की मालकिन हो। और तुम अकेली नहीं हो जिया वेंकटरम, क्योंकि तुम्हारे डैड अपने नाम में वेंकटरम छोड़ गए थे और मैं अपने नाम में जिया छोड़ के जा रही हूँ। सो लिव जिया, लिव।
कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो।